AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हे गाइस, सचिन सक्सेना हेयर, स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AI के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आज से हम इस चैनल पर बात करेंगे कुछ ज्ञान की बातें टाइप, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो भाई आजकल ट्रेंड में है और हमें पता होनी चाहिए। तो वो जो वीडियो है वो आज उसका एक फर्स्ट एपिसोड आप कह सकते हो AI के बारे में ये वीडियो होने जो वाला लेटेस्ट है। टेक्नोलॉजी है उनको हम शॉर्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो सिंपली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस क्या है इसका? मींस ये है कि जो हमारे पास ये है, दैट इज ब्रेन, दिमाग। अब इसको अगर हम किसी मशीन में यूज कर पाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये हमको समझ आ गया। अब ये एक बहुत कर्री चीज है भाई कि हम अपने दिमाग को किस तरह से किसी एक मशीन में यूज कर पाएंगे। अब यहां पर ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। यहां पर आप एज ए एग्जाम्पल दे के देखो, हमारे पास आजकल डेली टू डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें AI का इस्तेमाल होता है। अभी अगर मैं एक रिसेंट वाला एग्जाम्पल लूं, तो आपने एक वेबसाइट देखी होगी जिसका नाम है myheritage.com, और उस पर आप, एक सेकंड रुको यार, तो भाई एक वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है जिसका नाम है myheritage.com। अब ये वेबसाइट करती क्या है? जस्ट कुछ नहीं करती है कि आपकी कोई एक फोटो आप वहां पर अपलोड करते हो, और एक बहुत पुरानी सी फोटो को ये AI की हेल्प से, बहुत सारे एल्गोरिदम, बहुत सारी चीजें वहां पर कोड किया गया है जिसकी हेल्प से वो आपकी फोटो में पहचान लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि भाई आपका फेस कहाँ है, आपकी आईज कहाँ है, जिससे भाई आपकी आई साइड ऐसे ऐसे होने लगती है, आपका फेस स्माइल करने लगता है, आपका फेस ऐसे ऐसे घूमने लगता है। तो ये सारी चीजें, मतलब आपने उस वेबसाइट के अंदर इंटेलिजेंस डाल को दिया बहुत है। सारे मोड मिल जाते हैं, लाइक पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जहां पर आप फोटो क्लिक करते हो ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। ये कैसे होता है? उसे कैसे पता चलता है कि भाई ये चीज बैकग्राउंड है, ये चीज रियल पर्सन है? आप फोन ऑन करते हो कैमरे में तो सर्किल आ जाता है, फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो तो वहां पर ऑटोमेटिक सर्किल में आपका फेस आ जाता है कि भाई ये कोई पर्सन है, आप इसे टैग कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो भाई यही चीज कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आप मशीन को तैयार कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसे कोड लिख रहे हो जिससे कि वो एज ए ह्यूमन के दिमाग की तरह सोच सकता है, मतलब छोटा मोटा कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है। अब यहां पर ये चीज 100% परफेक्टली काम नहीं करती है। अगर कोई काम वो चीज ह्यूमन करेगा तो उसमें एरर्स के चांस ज्यादा रहेंगे, लेकिन वही कोई काम वो चीज अगर हम कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो 100% सही होगा। AI आपको 100% सही होने की गारंटी नहीं देता। AI में मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो मिस्टेक इन कंपैरिजन टू ह्यूमन काफी ज्यादा कम रहेंगे। आजकल हमारे पास AI के मल्टीपल डिवाइसेस हैं, और इसमें एक टेक्नोलॉजी और आ जाती है जिसको बोलते हैं ML, यानी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे, बस आज आप सिंपल समझ लो। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है? AI तो बेसिकली आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, अब उसी के हिसाब से एल्गो वगैरह में चेंज करके कोड को समझ के आइडेंटिफाई कर लेता है। बट ML एक डिफरेंट चीज है। गूगल वूगल आजकल इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मशीन लर्निंग की, भाई मशीन अब पढ़ना सीख रही है, चीजों को बार बार आइडेंटिफाई कर रही है। आपने एक बार कोड लिख दिया, छोड़ दिया, AI में हो गया। बट ML में क्या है, वो हर बार नई नई तरीके से चीजों को देख रही है, और जैसे जैसे लोग यूजर रिएक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो हर बार सीख रही है चीजों को। दैट इज कॉल्ड ML। तो AI से भी एक नंबर जो अगला स्टेप है, दैट इज ML। ठीक है, अब यहां पर AI जो है इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? भाई AI बहुत गजब की चीज है। अब यहां पर इसके भाई जितने ही एडवांटेजेस हमें दिख रहे हैं, उतने ज्यादा डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। आपने रोबोट मूवी देखी है, ठीक है, आजकल एक सोफिया नाम का एक रोबोट बना है जो कि भाई छोटे मोटे डिसीजंस खुद ले सकती है। तो ये चीज भाई जो है वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, डिजास्टर हो सकता है। बिकॉज अगर इन केस मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल हो गया, और हम लोग भाई उतना कमांड ना दे पाए, और इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो जो कि आपने रोबोट मूवी में देखा, सेम वो चीज रियलिटी में भी हो सकती है। तो भाई ये इसका फ्यूचर है। अगर हम इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो मे भी सारी चीजें ठीक से हो, बाकी इसके जॉब वगैरह कम कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हो ही रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बट एक साइड इसके एडवांटेज हैं तो एक साइड इसके डिसएडवांटेज भी हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो आपको ये भाई ज्ञान की बात है एपिसोड नंबर 1 का ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अगर और वीडियो चाहिए और आपके दिमाग में भी कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।